नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्य कमेटी का गठन किया था। ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट में मंजूरी देगी। माना यह भी जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। देहरादून में यूसीसी कार्यालय पिछले 3 दिनों से काफी सक्रिय बना हुआ है। प्रतिदिन 15 घंटे से अधिक काम कर रहा है। समिति के सदस्य दिन रात रिपोर्ट तैयार करने में सक्रिय हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मसौदा में 400 से अधिक धाराएं शामिल हो सकती हैं, जिसका लक्ष्य परंपरागत तौर पर रीति रिवाजों में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। आइए हम आपको कुछ यहां ऐसे प्रावधान बताते हैं जो कि यूसीसी में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो समान नागरिक संहिता यूसीसी के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लगा दी जाएगी। इसी के साथ बात करें लड़कियों की शादी की, तो कानूनी उम्र 21 साल तय कर दी जा सकती है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा, और इसी के साथ ऐसे में रिश्ते में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को जानकारी प्रदान करनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य हो जाएगा। इसी के साथ विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता भी हो सकती है। प्रत्येक विवाह का संबंधित गाँव कस्बे में पंजीकरण कराया जाएगा और बिना पंजीकरण के विवाह को अमान्य माना जा सकता है। इसी के साथ ये भी प्रावधान हो सकते हैं कि विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की जो प्रक्रिया होगी वो उतनी ही सरल होगी। इसी के साथ लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार होगा। विरासत में अधिकार उनको बराबर मिलेगा। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय के भीतर इश्क जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी। इसी के साथ बात करते हैं नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में जो बुजुर्ग माता पिता होंगे उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा भी मिलेगा। इसी के साथ पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पूर्ण विवाह करना चाहती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। इसी के साथ यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता का अगर कोई भी सहारा नहीं होता है या उनकी देखरेख के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है तो उसका पति उसकी जिम्मेदारी लेगा। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसी के साथ पति पत्नी के बीच के विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को सौंपी जा सकती है। इसी के साथ ये भी प्रावधान हो सकता है कि बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है। आदिवासियों को इसमें यानी कि यूसीसी में छूट मिलने की संभावना काफी जताई जा रही है। वहीं आपको ये भी हम बताते चलते हैं कि मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की सेवा नेतृत्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अगर लागू हुआ तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। इसी के साथ यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। सेवा नेतृत्व न्यायाधीश देसाई के अलावा यूसीसी विशेषज्ञ समिति में सेवा नेतृत्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की उपकुलपति सुरेखा डगवाल भी शामिल हुई है। इस समिति को कुल 4 विस्तार भी दिए गए हैं, जिसमें से अंतिम 12 जनवरी में 15 दिनों के लिए दिया गया है। अभी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि क्या यूसीसी जो बनाया गया है उसका विधेयक विधानसभा में आगे रखा जाएगा या फिर नहीं, कितने दिनों में इसे लागू कर दिया जाएगा, कितने दिन में कंफर्मेशन आ जाएगा, ये सारी ही चीजें आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएंगी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।